ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सभी आ गए मैम? मैम तो 5 बजे मैम आज टीचर पूजा नहीं आए। मैम लोकेश मीना भी नहीं है। मैम शिवम भी नहीं आया। अभी आ जाओ। स्नैक्स नहीं होता ना कई बार। यस मैम। हर्षवर्धन हर्षवर्धन करें स्टार्ट। यस मैम। देखो बेटा इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ रहे थे? नाउन नंबर। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? नाउन नंबर। अभी रुको थोड़ा, कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे, अभी होने दो कनेक्ट। आशीष। हाँ तो क्या पढ़ रहे थे हम? हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक चल रहा है बताओ? सिंगुलर नाउन नंबर चल रहे हैं। नंबर तो कितने टाइप के नंबर्स होते हैं? नंबर्स कितने टाइप के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में? देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में नंबर्स टू टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है वन और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा। पता है ना सबको एकवचन बहुवचन। हमने सिंगुलर प्लूरल ये सब पढ़ लिया। मैंने कुछ रूल्स भी लिखवाए थे आपको, वो भी हमने पढ़ लिए, आपने याद कर लिए होंगे वो। ठीक है, अब हम उसकी क्या करेंगे? एक्सरसाइज। ठीक है, ये नंबर्स का टॉपिक हमारा खत्म हो गया और हम आज क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो क्यों है, सम नाउन्स आर मेड इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस। राइट द प्लूरल्स ऑफ द नाउन्स गिवन। स्टूडेंट आपको पता है नाम को ही नाउन्स बोलते हैं ना, तो ये नाउन्स है। ठीक है, इनको किसमें सिंगुलर दिया हुआ है और किसमें कन्वर्ट करना है? सिंगुलर किसमें कन्वर्ट करना है आपको? प्लूरल में, यानी एक से ज्यादा। अब ये दे रखा है कि बाय एडिंग इसमें एस क्या करना है, इसमें ऐड करना है। ऐड का मतलब क्या होता है? एडिंग बाई एस, यानी एस को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, ऐड। अब देखो ये सिंगुलर सिंगुलर दे रखा है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है प्लूरल में। सिंगुलर का मतलब वन होता है और प्लूरल मोर देन वन, एक से ज्यादा। समझ गए? अब देखो तो इसमें एस जोड़ना है, मैं ये बताया ना कि एस तो की का क्या बन जाएगा? कीज। की वाई एस कीज। बॉय बॉय गर्ल
कल ऐसे कर दिया तो क्या बोला? ऐसे ऐड करके लिखना आपको सारे बैट बैट एटीएल तो हम सबने ये सिंगुलर नाउन दे रखे थे, सिंगुलर नंबर को प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया, क्या ऐड करना था एस ऐड करके हमने क्या बना दिया प्लूरल बना दिया, एकवचन था कन्वर्ट कर दिया। ठीक है गिनीज क्या बात है, है? समझ में आ गया? Yes, ma'am. ज्यादातर सिंगुलर में एस ही ऐड होता है, एस ऐड होके और क्या बन जाता है प्लूरल बन जाता है। ठीक है अब है एम शिव हम भी आ गया बेटा, बहुत लेट हो जाते हो बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। शिवम बेटा इतनी देर से कैसे आए आप? शिवम गिव मी आंसर, शिवम कुछ बोलेगा भी नहीं शिवम तो। मैम शिवम की म्यूट है। हाँ तो वो नहीं कर रहा उसको। ठीक है चलो अब ये सेकंड क्वेश्चन है, सम नाउन्स आर मेड इनटू प्लूरल बाय एडिंग ईएस, ईएस ऐड करना है। अब आपको मैंने रूल्स बताए थे ना, रूल्स बताए थे ना मैंने, क्या बताया था? द वर्ड्स विच एंड विच एस डबल एस सी एच ओ और एक्स हो तो क्या ऐड कर देते हैं, ईएस ऐड कर देते हैं, बताया था ना मैंने? अरे बताया था या नहीं? हाँ या ना? चुप। यस मैम। ये हस्बैंड जॉब और सारे चुप बैठे रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या मैम? समझ में आता है, आता है सबको? यस मैम। चलो करना है, रूल्स पढ़ा था हमने, रूल्स पढ़ा था कि नहीं मैंने? यस मैम। कि पढ़ के लास्ट में एस डबल एस सी एच एक्स और सॉरी एक्स हो तो क्या करें, क्या ऐड कर देंगे, ईएस कर देंगे उस पे, जैसे क्लास तो क्या ऐड हो जाएगा डबल एस आ रहा ना मैम, ईएस ईएस डबल एस ईएस तो क्या बन गया क्लास में? क्लास। क्लास क्या ऐड कर देंगे ईएस, सब में ईएस ही ऐड करना है ये ध्यान रखो आप। क्लासेस क्लास ईएस ऐड कर दो सब क्लास क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो वर्ड्स है ये नाउन्स है इनमें क्या करना है, क्या ऐड करना है टोमेटो बस पेन बन अब देखो ग्लास का क्या ईएस का ऐड कर दिया तो क्या बन गया ग्लासेस। अब ये ग्लासेस गिल्ला ग्लासेस ब्रशेस ग्लासेस ग्लासेस ब्रशेस ब्रशेस टोमेटो टोमेटो Thank you.
Bus. Bank. आपको नाउन दे रखा है, उसमें क्या ऐड करना है? आपको क्या ऐड करना है? लास्ट में क्या ऐड करना है? गुंजन आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट कर रखा है आपने। ठीक है, समझ में आ गया? देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें एस ऐड करना है सब में, जो नाउन दे रखा है सिंगुलर दे रखा है, और प्लुरल बनाने के लिए एस ऐड करना है। जो सेकंड क्वेश्चन दिया था आपने देख लिया हुआ वर्क भेजा है मैंने, सेकंड क्वेश्चन में क्या ऐड करना है आपको प्लुरल बनाने के लिए? ई एस ऐड करना है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, Y are made into plural by cutting the Y and ending IS. बेटा Y add करना है और देखो सम नाउंस दैट एंड इन वाई आर मेड इनटू प्लूरल बाय cutting the pie and adding IES. अब क्या करना है हमें? हमने क्या पढ़ा था? अब देखो इसमें क्या करना है, सम नाउंस एंड इन वाई, एंड में क्या है इन सब में? वाई है, तो वाई को हटा के हमें क्या ऐड करना है? आईएस। ठीक है, अब देखो एस सी ओ आर वाई, मैंने दो रूल लिखाए थे कि अगर वाई से पहले वोवल्स आ जाए तो क्या करना है? एस ऐड करना है, लेकिन हमें क्या करना है? आई एस आएगा। तुमको बता रखा है कि वाई की जगह वाई को हटाकर और उसमें आई एस जोड़ दो। ठीक है, दे रखा है और वाई को तो हटा दो, रिमूव कर दो उसको तो उसकी जगह से, और क्या ऐड कर दो उसकी जगह? आई ई एस। ठीक है, क्या ऐड कर दो? आई ई एस। अब देखो स्टोरी एस टी ओ आर वाई, स्टोरी तो वाई है ना लास्ट में, तो वाई को तो हमें हटा देना है। एस टी ओ आर वाई थोड़ी लिखो साथ में, लिखो साथ में वाई। नो मैम, वाई को हटा दिया हमने, गायब कर दिया, और क्या ऐड कर दिया? आई ई
M-I-E-S. ठीक है, फिर है बेबी, इसमें वाई को हटाना है, बी ए बी आई एस, बेबीज, बेबीज, फिर सी टी, सी आई टी, वाई को हटा दो और आई एस ऐड कर दो, आई ई एस, फिर है फ्लाई, टी एफ एल, वाई को हटा दो और आई एस ऐड कर दो तो क्या बन गया, आई ई एस, फिर है लेडी, एल ए डी वाई, शिवम समझ में आ रहा है, वाई को हटाना है, वाई को हटाना है, वाई की जगह क्या लिखा आपको, आई मुझे ये बताओ शिवम और ये लोकेश, लोकेश बताओ, लोकेश, लोकेश, यस मैम, क्या बात है, यस मैम, शिवम आप क्यों आते हो इतना लेट, अब मैंने पढ़ा दिए कितने रूल बताओ, शिवम चलो आज ठीक है, ये क्या हो गया, हमने वाई को हटा के और क्या ऐड कर दिया, आई आई एस, आई एस, समझ में आ गया सबको, यस मैम, मैं यस बोल रहा हूँ, मैं तो आ गया, किसको नहीं आया, यस मैम, मैम मुझे तो, मैम भी आ गया, मैम यस बोल रहे हैं, मैम भी आ गया, एक रूल है, एक रूल मैंने आपको बताया, बात दिख रही है, एक बेटा एक रूल है, तो मैंने आपको नहीं बताया, मैं मार चले देखो बेटा, ये क्यों सर, सम नाउंस दैट एंड ऑन एफ, यानी एंड में एफ हो और उस एफ को हटा के और हमें क्या ऐड करना है, VS. अब मैंने ये रूल मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि आपकी बुक में था नहीं, उसने क्वेश्चन दे दिया, तो देखो जिन शब्दों, जिन वर्ड के अंत में लास्ट में, जिन शब्दों के लास्ट में, जिन वर्ड के लास्ट में F या F हो तो उनको हटा के क्या ऐड कर देते हैं, VS ऐड कर देते हैं, ठीक है, समझ गए क्या, यस मैम, यस मैम, द वर्ड विच एंड विथ एफ और एनी वी मेक द वर्ड प्लुरल बाय रिमूविंग एफ और एफ एंड एंड वी एस, मम्मी यस ओके, अरे गाशे बात काय तिकडे भाग रे के बाबा, शो देखो एक बार, अरे रा एफ आर मेड इनटू प्लुरल कटिंग द एफ, कटिंग का मतलब हटाना, कटिंग कर दो, यानी इसको एफ को एडिंग, एड यानी जोड़ दो इसको वी एस को, ठीक है, जैसे सिंगुलर है बर्तन था ये वो पांच बर्तन भी देखो सिंगुलर बोलो ना, नहीं हटाना है
एक बार 11 मिनट वीएस ऐड कर देंगे ठीक है। जैसे लीफ तो लीफ का क्या होगा VES और क्या ऐड कर दिया VES ठीक है। VES ठीक है। आ रहा है क्या समझ में? यस मैम। आवाज नहीं आ रही। कौन बताएगा? मैं बताऊंगी। क्या ये कार्फ लिखा हुआ है? अभी वी एस मैम एफ को हटा देना। मैं बताऊ क्या और ये गुंजन क्या बात है बेटा? समझ में नहीं आ रहा क्या गुंजन? बेटा बात नहीं आ रही मेरे पास, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या बोल रहे हो आप? समझ में आ रहा है तो आप बताई नहीं रहे। सी एल एफ मैंने बोला ना, एफ को उठा के रिमूव कर दो, एफ को तो कट कर दो और वी एस ऐड कर दो। आप बताओ कि सी ए एल एफ तो हम यहाँ लिखेंगे सी ए एल और एफ को तो हटा दिया और क्या ऐड कर दिया? वी ई एस वी एस ठीक है। आप सोचोगे कि इसमें तो एफ के बाद भी ई भी आ गया, तो मैंने बोला था कि एफ या एफ ई को हटा के क्या जो ऐड करते हैं वी एस एल आई एस पी ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, एफ ई आ जाएगा उसको भी हटा के वी एस ई ऐड होता है। F को F आए तो F को हटा दो और अगर F E आए तो उसको भी हटा के क्या ऐड करना होता है? V E S V S तो ये F E S तो हम रिमूव कर देंगे और क्या यस L I F को ऐड कर दिया V S life L I V E S आगे समझ में सभी को? यस मैम। आपको ठीक है फर्क में करने के लिए आपको फर्स्ट में जो क्वेश्चन है उसमें सब में एस सिंगुलर दे रखे हैं, इसमें एस जोड़
करके सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए एस को ऐड करना पड़ेगा। गिनी के फिर सेकंड में आपको करना है क्या करना है, सिंगुलर दे रखा है प्लूरल बनाने के लिए, गिनी के गिनी यस यस